डियर व्यूअर, स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि ऑन टाइम वेब होस्ट कैसे करते हैं। ऑन टाइम वेब होस्ट करने से पहले कुछ जरूरी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए, जैसे ऑन टाइम, और इसका डेटाबेस सिक्वल सर्वर में होना चाहिए। डॉट नेट इंस्टॉल होना चाहिए 4.0 और क्रिस्टल रिपोर्ट इंस्टॉल होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं ये सॉफ्टवेयर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले ब्राउजर ओपन करोगे आप। ब्राउजर ओपन करने के बाद आप जाओगे ऑन टाइम के ऑफिशियल वेबसाइट ऑन टाइम एम्प्लॉई मैनेजर डॉट कॉम। यहाँ पे डाउनलोड पे जाओगे। डाउनलोड पे आपको सेकेंड ऑप्शन मिलेगा ऑन टाइम अटेंडेंस रिलीज वर्जन। अगर आपके लैपटॉप पे या पीसी पे ऑन टाइम इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। हमारा जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 3.3.17 चल रहा है। यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर है, 32 बिट और 64 बिट। जितने बिट का आपका कंप्यूटर है उतने बिट का सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ऑन टाइम अटेंडेंस वेब सेटअप। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे कुछ ऑन टाइम प्री रिक्वेस्ट फाइल हैं। इसके अंदर जाओगे आप, जहाँ पे आपको मिलेगा सिक्वल सर्वर 2008 आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होना चाहिए, तो इसे भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो आप। यहाँ पे है क्रिस्टल रिपोर्ट, इसे भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे है फर्स्ट नंबर पे डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.0, इसे भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। तो मैंने ऑलरेडी ऑन टाइम इंस्टॉल किया है और उसका डेटाबेस भी सिक्वल सर्वर पे है, और बाकी सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे डाउनलोड में लगा रखा है, ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो चलिए हम इसे इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कैसे वेब होस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हर एक फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसे इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।